नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। खबरों को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हर खबर की करंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और उतरौलिया में फूलन सेना का आज से कार्यकर्ता बैठक हुई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अभी से पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को संगठित करने में जी जान से जुट जाएं तथा बिना भेदभाव के सभी को पार्टी के साथ जोड़े। समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ, जैसे कि जातियों के नाम पर भेदभाव को मिटाने का संकल्प तथा समाज में समानता की नींव रखने का संकल्प लिया। और इस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष चौधरी ने बताया कि हमारी पार्टी अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, भेदभाव, चाहे वो शासन के नाम पर हो या प्रशासन के नाम पर, समाज के नाम पर हो, इसकी पार्टी जोरदार विरोध करेगी तथा आने वाले 26 जनवरी को देश की भावना, समाज की भावना को मिलाने के लिए एक विशाल सभा का आयोजन करेगी, जिसमें लगभग 2000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। उद्देश्य है समाज में जो भी अत्याचार है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है, किसी प्रकार की भेदभाव है, उसको मिटाने का संकल्प है, पहला उद्देश्य। पार्टी बनाने का है और लड़ाई लड़ने का है जी। पार्टी बनाने का मतलब है कि समाज में बहुत प्रकार की जो मतलब स्थितियां हैं, तमाम प्रकार की जो एक स्थिति ऐसी बन चुकी है कि समाज में जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ तमाम प्रकार का जो अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रही है, जो कई प्रकार के जो उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसमें लड़ने के लिए कोई संगठन आगे नहीं आ रहा था। इसलिए हमने संकल्प लिया कि जो किसी की बात नहीं उठाएगा, उस बात को हम लोग उठा करके और समाज में चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कितना भी मजबूर हो, चाहे कितना भी किसी प्रकार की समस्याएं उसके साथ हों, उसकी लड़ाई लड़के हम उसको न्याय दिलाएंगे। सर, जैसे अभी बात हो रही थी कि प्रधान महाप्रधानी जी चुनाव लड़ा जाए, जी के बारे में बताइए और विधायकी के बारे में। प्रधानी के बारे में, महाप्रधान का जो चुनाव हम लोग आने वाले जो अब आने वाले चुनाव हैं, उसे तकरीबन हम 15 जो जिला पंचायत के चुनाव लड़ाएंगे और उसमें सभी ईमानदार प्रत्याशी होंगे, उनकी व्याख्यान की जाएगी, उनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उनके साथ हम प्रॉपर वे से जो है इंटरव्यू करेंगे, उनकी सारी बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा और किसी भी गलत व्यक्ति को हम अपना प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। ये हमारे महाप्रधानी और ग्राम प्रधानों के चुनाव की प्रक्रिया होगी। उद्देश्य यही रहेगा कि ये जो पार्टी है, ये अब तक की जो राजनीति हो रही है, आज तक जो राजनीति हुई है, उससे थोड़ा सा हम डिफरेंस चलेंगे। डिफरेंस ये हमारा होगा कि लोग जीतने के बाद जनता की सेवा करना भूल जाते हैं, लेकिन ये हमारा संकल्प है कि अगर हमारा कोई प्रत्याशी जीतता है तो जिस तरह से आज कार्यकर्ता के रूप में वो कार्य कर रहा है, आने वाले दिन में वो जीतने के बाद भी उसी भाव से जनता की सेवा करेगा। सर, एक और सवाल, जिले में फूलन सेना अभी कुछ साल पहले वही सक्रिय थी जी, बीच में ऐसा क्या हो गया कि सक्रियपन हो गया? वजह होती है कि जैसे कि इसी बीच में मेरी नियुक्ति हुई और मैंने संकल्प लिया है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि चौधरी साहब, ऐसा है कि समाज में लोग हैं, चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, लेकिन जगाने वाला कोई नहीं था, तो कुछ जगाने की प्रक्रिया जो जिसके अंदर उस तरह के ज्ञान होने चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी, उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अब फूलन सेना न कभी रुकेगी, न कभी झुकेगी, न कभी बिकेगी, ये सत्य के रास्ते। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ TV20 न्यूज पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।